नमस्कार। तो आज आप हम वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 6.30 के करीबन, 15 पैसे की गिरावट देखने को मिले। वोडाफोन आइडिया में फ्राइडे के दिन तकरीबन 2% ऐसे डाउन। स्टॉक ने नया 52 वीक लो देखने को मिला था यहाँ पे फ्राइडे के दिन वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो देख सकते कि जो सपोर्टिव जोन था यहाँ पे स्टॉक का वोडाफोन आइडिया का, उसको ब्रेक करता हुए नजर आ चुका है। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे हम लोग कि कोई खास न्यूज़ है क्या रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया। तो न्यूज़ की बात की जाए तो रिसेंटली कोई लेटेस्ट अपडेट नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया। पर वोडाफोन आइडिया जो फंडिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, फंडिंग का इश्यू काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन भारतीय एयरटेल, रिलायंस जो जो कि यहाँ पे कंपटीटर्स है वो यहाँ पे 5G रोल आउट किया है, तब से यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों के। पर रिसेंटली वोडाफोन आइडिया के काफ़ी सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे रिसेंटली 5G रोल आउट भी अभी तक यहाँ पे घोषणा कुछ भी नहीं की। मार्केट कैप भी 30,000 के करीबन आ चुका है स्टॉक का। और लास्ट यहाँ पे देख सकते कि फ्राइडे की भी बात की जाए स्टॉक की, तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आई। वॉल्यूम भी देखे जाए तो स्टॉक यहाँ पे आप सॉरी चार्ट पे नजर डाली जाए तो एक सपोर्टिव जोन था 7.30 टू 7.50 के बीच में, उस जोन को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तकरीबन तो देख से देखिए और नीचे जाता है तो 6 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर।